मेरी जीजियों, दो चीजें बड़ा स्मरण में रखिएगा। एक बैसाख महीने में मट्टी के पात्र का जल। अभी अभी क्या चल रहा है? फागुन। अभी क्या चल रहा है? फागुन। जब बैसाख का महीना आए ना, जितने यहां बैठे और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे, जितने मोबाइलों पर देख रहे, प्रयास करना, बैसाख के महीने में मिट्टी के पात्र में जो रात्रि भर जल रखा हो, मिट्टी के पात्र में अगर आपके पास में घड़ा हो, हंडा हो, नी हो, तो दिया हो, दीपक हो, कुल्लड़ हो, कोई भी तुम्हारे पास में जो मिट्टी का पात्र, उसमें जल भरना। वो जल बैसाख के महीने की किसी भी सोमवार के दिन, किसी भी सोमवार के दिन, बैसाख महीने या किसी प्रदोष के दिन या बैसाख महीने के शिवरात्रि के दिन, वो मिट्टी के पात्र का जल अपने घर के प्रत्येक व्यक्ति का स्पर्श कराकर उस मिट्टी के पात्र के जल को तांबे के पात्र में डाल लीजिए और घर के प्रत्येक व्यक्ति का स्पर्श करा लीजिए और शंकर भगवान पर कुंद कैश्वर महादेव के नाम से समर्पित करिए। कुंद कैश्वर महादेव। कभी जीवन में पीछे पलट कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उन्नति की सीढ़ी की ओर बढ़ते चले जाएंगे। बैसाख महीने में मट्टी के पात्र का जल भगवान शंकर को समर्पित होना चाहिए। उसका सुख हमारे जीवन को एक आनंद फल प्रदान। एक शीतल आरती होती है, मेरी जीजियों बड़े सावधानी से सुनिएगा। एक शीतल आरती होती है, कभी अगर तुम्हारे जीवन में अगर कभी तुमको ऐसा लगे कि रोग बड़ा भारी हो चुका है और बहुत भारी रोग मुझे घेरता जा रहा है, या डॉक्टर को दिखाने जा रहे हो और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर कोई बड़ी बीमारी बताएगा, तो उस समय पर शीतल आरती का प्रयोग करें। एक पुष्प हाथ की हथेली में रख लीजिए, एक पुष्प हाथ की हथेली में रख लीजिए और यहां तक शास्त्र कहता है अगर हो सके तो आंकड़े का अगर पुष्प मिल जाए, तुम्हारे यहां क्या बोलते हैं उसको, मंदार का फूल, आंकड़े का फूल, अकौए का फूल जो शंकर भगवान पे चढ़ता है, छोटा सा होता है, घुंगरू जैसा होता है वो, उसको तुम्हारे यहां क्या बोलते हैं हरियाणा में, आंक का ही पुष्प बोलते हैं। आंक का पुष्प मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है। अब उसमें चाहे सफेद हो, चाहे नीला हो, चाहे गुलाबी हो, जैसा भी हो, हाथ में रखने के बाद हाथ में एक लोटा जल, भगवान शंकर के शिवालय में जब आप प्रवेश करें और प्रवेश करते समय भगवान के सम्मुख में, जब भगवान शंकर के साक्षी में जब पहुंचे, आपके सामने पूजन में कोई भी सामग्री नहीं है, आपके पास में ना दिया है, ना बाती है, ना अगरबत्ती है, ना चंदन है, ना कपूर है, ना कोई सामग्री है, केवल एक आंख का पुष्प और एक लोटा जल आपके पास में है, शिवालय में पहुंचकर शीतल आरती का प्रयोग करो। 11 बार भगवान शंकर के 11 रुद्रों का स्मरण कर जब 11 बार शंकर के शिवलिंग के ऊपर से नीचे तक वो कलश को जब घुमाया जाता है और घुमाने के बाद वो आग का जो पुष्प है वो अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित कर भगवान शंकर को जो जल चढ़ाया जाता है, जो जल समर्पित किया जाता है, डॉक्टर भले तुमसे कह रहा हो कि तुम्हें बड़ी बीमारी के चांस हैं, आप जाकर एक बार चेक कराना, तुम्हें वो बड़ी बीमारी निकलेगी ही नहीं, उस रोग से तुम मुक्त हो। इसको शीतल आरती का प्रयोग किया गया, ये शीतल आरती, इसको शीतल आरती कहा, शिव की प्राप्ति का, एक रोग से मुक्त होने का। अब आपसे कोई कहे कि ये शीतल आरती का प्रयोग सबसे पहले किसने करा, तो आपको ध्यान लगाना है इस प्रयोग को, सोमनाथ जी की कथा का स्मरण करिएगा, सोमेश्वर की कथा का स्मरण करिएगा, आप स्कंद पुराण में, शिव महापुराण में सोमनाथ जी की कथा का स्मरण करिएगा। चंद्रदेव को काया का रोग हो गया, रोग इतना भारी था, चंद्र समझ नहीं पा रहे थे मैं करूं क्या, जब देव ऋषि नारद के पास पहुंच गए, नारद जी ने कहा
पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो, बालू के शिवलिंग का निर्माण करो और समुद्र का ही जल भगवान शंकर को उनके आनंद से आरती कर उनको चढ़ाने का प्रयास करो। और शिव ने ऐसी कृपा कर दी कि चंद्र के पास आकर भगवान शंकर ने कह दिया, चंद्र मैं तुझे वर देता हूँ, तेरा काया का रोग समाप्त होगा, ये मेरा वर है, क्योंकि तूने मेरे शीतल आरती का प्रयोग किया। मेरी जीजियों, दो चीजें बड़ा स्मरण में रखिएगा। एक बैसाख महीने में मट्टी के पात्र का जल। अभी अभी क्या चल रहा है? फागुन। अभी क्या चल रहा है? फागुन। जब बैसाख का महीना आए ना, जितने यहां बैठे और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे, जितने मोबाइलों पर देख रहे हैं, प्रयास करना, बैसाख के महीने में मिट्टी के पात्र में जो रात्रि भर जल रखा हो, मिट्टी के पात्र में अगर आपके पास में घड़ा हो, हंडा हो, नी हो, तो दिया हो, दीपक हो, कुल्लड़ हो, कोई भी तुम्हारे पास में जो मिट्टी का पात्र, उसमें जल भरना। वो जल बैसाख के महीने की किसी भी सोमवार के दिन, किसी भी सोमवार के दिन बैसाख महीने में, या किसी प्रदोष के दिन, या बैसाख महीने के शिवरात्रि के दिन, वो मिट्टी के पात्र का जल अपने घर के प्रत्येक व्यक्ति का स्पर्श कराकर उस मिट्टी के पात्र के जल को तांबे के पात्र में डाल लीजिए और घर के प्रत्येक व्यक्ति का स्पर्श करा लीजिए और शंकर भगवान पर कुंद कैश्वर महादेव के नाम से समर्पित करिए। कुंद कैश्वर महादेव। कभी जीवन में पीछे पलट कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उन्नति की सीढ़ी की ओर बढ़ते चले जाओ। बैसाख महीने में मट्टी के पात्र का जल भगवान शंकर को समर्पित होना चाहिए, उसका सुख हमारे जीवन को एक आनंद फल प्रदान। मेरी जीजियों, दो चीजें बड़ा स्मरण में रखिएगा। एक बैसाख महीने में मट्टी के पात्र का जल। अभी अभी क्या चल रहा है? फागुन। अभी क्या चल रहा है? फागुन। जब बैसाख का महीना आए ना, जितने यहां बैठे और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे, जितने मोबाइलों पर देख रहे हैं, प्रयास करना। बैसाख के महीने में मिट्टी के पात्र में जो रात्रि भर जल रखा हो, मिट्टी के पात्र में अगर आपके पास में घड़ा हो, हंडा हो, नी हो, तो दिया हो, दीपक हो, कुल्लड़ हो, कोई भी तुम्हारे पास में जो मिट्टी का पात्र, उसमें जल भरना। वो जल बैसाख के महीने की किसी भी सोमवार के दिन, किसी भी सोमवार के दिन बैसाख महीने, या किसी प्रदोष के दिन, या बैसाख महीने के शिवरात्रि के दिन, वो मिट्टी के पात्र का जल अपने घर के प्रत्येक व्यक्ति का स्पर्श कराकर उस मिट्टी के पात्र के जल को तांबे के पात्र में डाल लीजिए और घर के प्रत्येक व्यक्ति का स्पर्श करा लीजिए और शंकर भगवान पर कुंद कैश्वर महादेव के नाम से समर्पित करिए। कुंद कैश्वर महादेव। कभी जीवन में पीछे पलट कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उन्नति की सीढ़ी की ओर बढ़ते चले जाओ। बैसाख महीने में मट्टी के पात्र का जल भगवान शंकर को समर्पित होना चाहिए, उसका सुख हमारे जीवन को एक आनंद फल प्रदान। जिसे कहते हैं ना, कोई अच्छा मिले ना मिले, धन मिलने से कोई भाग्यशाली नहीं होता। आप लोग को अगर पंडित प्रदीप मिश्रा जी का यह उपाय अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन घंटी दबाइएगा। ओम नमः शिवाय, नमस्ते।